हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पे रिक्वेस्ट की थी, तो आज की वीडियो है हमारी हैंड गैग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते, बैठो बैठो। आ गई तुम? हाँ मैम। मैम देखो मेरे कपड़े, अरे इसमें दो वाह, आईज बहुत बनी हुई है और इसमें मोती भी लगे हुए हैं बहुत सारे। अच्छे ये तो। मम्मा ने ये स्टॉल भी लटकाया है इसमें, ये इसमें क्यों लटका है? ऐसे ही आजकल सब लटका के रखते हैं ना ऐसे। इसमें मैंने भी लटका, पागल। देखो मेरी पैंट में भी बना हुआ है। ओहो, बहुत अच्छा है। लग रही हो, बहुत खुश लग रही हो आज तो तुम। हाँ नए कपड़े वैसे मैम, किस खुशी में पहने हैं आपने? मैम ऐसे ही पहन लिए मैंने तो। अच्छा, मम्मी लाए और आप पहन लिए। हाँ चलो बहुत। वाह मैम, कितनी सुंदर चूड़ियां हैं आपकी तो। वाह, और इतना महंगा फोन ओहो, अभी नया ही लिया है क्या मैम आपने? हाँ नया ही लिया है, लेकिन अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं अपन। चलो वाह इसको रख मैम, दो, पढ़ाई करो। बैग खोलो अपना। अरे मैम इतना सुंदर पिलो कवर, इसमें तो ये देखो क्या ये बनी हुई है, ये नाच रही है ऐसे ऐसे करके। अरे चलो इसको रखो और अपन पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। पढ़ाई करनी आई मैम तुम? देखने दो ना, देखो कितनी प्यारी है। एक तो ऐसे स्टेप कर रखा है, एक ने यूं कर रखा है, ने यूं कर रखा हाँ है। तुम भी कर लेना ऐसे, लेकिन अभी पढ़ाई कर लेते हैं अपन। चलो पढ़ाई करो, बुक निकालो अपनी, इसको छोड़ो, बाद में देख लेना जो भी देखना है, ठीक है? आज पता है मैम, आप हमारे घर पे है ना, बहुत सारे है ना वो आए थे, क्या बोलते हैं उनको, डॉग्स थे छोटे छोटे पप्पीज, उनके साथ मैं बहुत खेली, बहुत मजा आया मेरे को। आज मेरा अच्छा, घर पे यहाँ पे आने का मन ही नहीं कर रहा था, घर पे रहने का ही कर रहा था। उनके साथ ना मुझे खेलना था, तो आप मुझे जल्दी से फ्री कर दो ताकि मैं चली जाऊँ। फ्री क्या? अब जितनी देर की पढ़ाई होती है उतनी देर तो करनी पड़ेगी ना आपको। नहीं मैम मेरे को उनके साथ खेलना है, फिर वो चले जाएंगे ना। कहीं नहीं जाएंगे, आप पढ़ाई में ध्यान दो पहले। और ना आज घर पे वो खाना भी बहुत अच्छा बना है। आपने क्या बनाया वैसे? तुम पढ़ने आई हो कि खाना खाने आई हो? मैम भूख लग गई, आप भी खिला दो अगर कुछ अच्छा सा बनाया है तो आपने। अभी पहले पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद में खाना खा लेना। मैं तुम्हें मैम अच्छे से पहले घर पे। पेट पूजा बाद में काम दूजा। ओहो, बाद में खा लेना, अभी थोड़ी देर पढ़ाई कर लो, फिर कर लेना, खा लेना। मैं आपको अच्छा सा खाना बना के दूंगी, ठीक है? जो आप खाओगे ना वो बना के दूंगी। और मैम आप कुछ नया लेके आए? ये क्या है? ये तो मैम ऐसे ही है, आप कुछ न्यू नहीं लेके आए? आपके पास तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, आपके पास कुछ और भी होगा अच्छा, मुझे दिखाओ ना। पढ़ाई तो अपन बाद में भी कर लेंगे। अरे नहीं, पहले पढ़ाई करेंगे उसके बाद में करेंगे। कल कहाँ पे छोड़ा था अपन ने? मैम कुछ पढ़ना नहीं है मैम मेरे को, पढ़ाई आप खाने जरूरी पीने होती की है। बातें कर लो, आप मुझे कुछ खिला दो, आइसक्रीम खिला दो, कुरकुरे खिला दो। मैं बोल रही हूँ ना, पढ़ाई में ध्यान दो, मतलब पढ़ाई में ध्यान दो। और मैम आप नई स्कूटी लाए नहीं लाए? आप बोल रहे थे ना नई स्कूटी के लिए। लाऊंगी लेकिन बाद में लाऊंगी, पहले पढ़ाई करो तुम। फिर तुम अच्छे मार्क्स से पास होगी, बच्चे मेरे पास पढ़ने आएंगे, फिर मेरे पास पैसे आएंगे, फिर मैं लेके आऊंगी स्कूटी। अभी पढ़ाई में ध्यान दो, चलो यहाँ से स्टार्ट करो, पढ़ो इसको। मैं हमारे घर पे ना रस मलाई आई है आज, मेरा बहुत तुम मन एक कर रहा काम है। करती, रसमलाई खा के आती। मैं खा के आई थी लेकिन वो थोड़ी सी बची हुई, वो फिर अगर मेरे भाई और मेरी बहन खा गए तो खत्म हो जाएगी ना वो तो। यार ऐसे कोई नहीं खाएगा। अभी तुम लोग, तुम पढ़ाई करो, और भी तो बच्चे पढ़ते हैं ना, नीचे मैंने ना आके दुकान करो। पे ना वो भी देखे थे, बहुत सारे टॉयज थे यार वहां पे। मुझे टॉयज दिला दो यार मैम, आप दिला दो, मम्मा तो दिलाते ही नहीं है मेरे मैं को। तुम्हें सब कुछ दिलाऊंगी, लेकिन उससे पहले पढ़ाई करो। जब तुम जाओगी ना पढ़ाई करके, उसके बाद में तुम्हें अच्छे से नाश्ता खिलाऊंगी और टॉयज भी दिलाऊंगी, ठीक है? चलो पढ़ाई करो। आपके पास टेडी बियर है? है लेकिन अभी नहीं दूंगी, बाद में दूंगी। पढ़ाई करो पहले, बोला ना नहीं पहले यहाँ मुझे से दो, स्टार्ट करो। नहीं मेरे को पहले दो, मैं क्या बोल रही हूँ, पढ़ाई नहीं करो। मेरे को चाहिए पहले, जो बोल रही हूँ ना वो काम करो, पहले पढ़ाई करो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। नहीं मुझे चाहिए। समझ में नहीं आ रहा बोलने से, आपके पास है कितना बोलती हो तो आप तुम? मुझे दे दो ना, फिर मैं नहीं बोलूंगी।
मैंने पता है दुकान से उधर से घर से आ रही थी तो अब इतनी सारी चीजें देखी रास्ते में मेरा तो मैं ना चुप हो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम्हारे जैसी बच्ची ना अभी तक कोई भी नहीं है, सब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं एक ही हूँ। पढ़ाई करो तुम, चलो पढ़ो यहाँ से। आपको कचौरी खानी है? मुझे कुछ नहीं खाना, पढ़ाई करो फिर उसके बाद मैं तुम्हें भरपेट खिलाऊंगी। पढ़ाई करो, तो मुझे तो खानी है ना। तुम पढ़ाई नहीं करोगी ना ऐसे? मुझे तो अपना मुंह बंद करो, पढ़ाई करो। बोला ना पढ़ाओ तो पढ़ो, समझ में नहीं आ रहा बोलने से? बेमतलब गुस्सा दिलाती रहती हो। और मैम आप नई ड्रेस लेके आए, आपके घर में शादी है ना। चुप नहीं होगी ना? तुम चुप हो ही नहीं सकती। चुप हो, चुप हो। चुप हो जाओ एकदम, चुप चुप एकदम चुप। मैं बोल रही हूँ ना, चुप हो जाओ। कैसे बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं करनी होती, मेरा माथा खराब कर देती है ये आके। मैं कितना सोचती हूँ कि तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊँ, लेकिन तुम होगी मानती नहीं हो, अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती। इतना कोई बोलता है क्या? चुप हो जाओ, चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे बिल्कुल भी मुंह में से। चुप 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 हो जाओ एकदम, चुप चुप चुप। इतना क्यों बोलती हो तुम कि किसी को इरिटेशन होने लग जाए? कितना बोलती है ये लड़की यार। और भी तो बच्चे हैं, शांति से पढ़ के चले जाते हैं, और ये है कि बस खाना है, पहनना है, ये कहाँ से लाए, वो कहाँ से लाए, बस बैठो शांति से बैठ जाओ। मेरे को आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। कल से ना तुम्हारी मम्मी को बोलूंगी मैं कि तुम्हें खिला पिला के भेजे, यहाँ पे आके बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती, पढ़ाई तो कहाँ से होगी। आवाज मत करो एकदम, चुप हो जाओ। मैं नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम चुप नहीं हो जाती। एकदम आवाज बंद हो जाएगी ना तब मैं अपने आप छोड़ दूंगी तुम्हें। अभी भी वही हरकतें। क्या करूं मैं इसका? चुप हो गई ना, अब मेरे को आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। अब ऐसे स्टैचू की तरह भी नहीं बैठना, और पढ़ाई पे ध्यान दो अपनी पे। पढ़ो, अब शायद पढ़ाई भी नहीं करोगी, तुम इतना चुप हो गई। मैं जा रही, तुम चले जाओ, और मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लूंगी कि आपकी बच्ची घर पे आ रही है। मैं पापी के साथ खेलूंगी वहां पे जाके। ये लड़की ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। थैंक यू मैम, मैं जल्दी से आ रही हूं। मैं क्या ही करूं इस लड़की का, इसकी मम्मी के पास फोन करके बोल देती हूँ आपकी पुत्री निकल चुकी है यहाँ से। हाँ तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो जरूर से ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा ले ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।